अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट नवीद और आप देख रहे हैं ऑन दी वे। आज मैं मौजूद हूँ एक और बहुत खूबसूरत जगह पे। यहाँ पे काम होता है पेपर्स का, गत्ते का, और यहाँ पे गत्ते बनते हैं। ये पहले इस तरह की कटिंग्स में गत्ते होते हैं जो बड़े बड़े बोरों में होते हैं, और वो बोरे जो है वो फिर इस तरह से ये इसको गत्ते को उठाकर और इस मशीन में डालते हैं। ये मशीन जो है वो गत्तों को इस शेप में लेके आती है। ये देखिए, ये इस शेप में जो है गत्ते आते हैं और वो उसको पूरा बन जाता है। डाले डाले ये गत्ते जो है कटिंग हो के इसको गत्तों को चूर दिया जाता है और वो मिक्स होते हैं। तो होते 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 ये मशीन की चलती होती है, मोटर देखिए कितनी बड़ी है, ये मोटर चलती है। और मैं आज आपको ये पेपर बनाने का तरीका बता रहा हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर काम है, मैं इसकी आपको पूरी मैकिंग दिखा रहा हूँ। गत्ते यहाँ से उठा के जाते हैं, उठाने के बाद जो है वो फिर इसको इसमें टैंक में डाला जाता है। टैंक में डालने के बाद ये इसकी मशीन है, टैंक में डालने के बाद जो है वो फिर इधर आते हैं। टैंक में डालने के बाद ये भी छोटे टैंक में पिसने के बाद आते हैं। पिसने के बाद ये बड़ा टैंक है, इसमें स्टोर किया जाता है माल को, माल को छोड़ दिया जाता है और फिर ये इधर आते हैं। अच्छा, ये पंप से जो है वो इधर आना स्टार्ट होता है, ये इसका पाइप लगा हुआ है मेन, और ये गत्ता जो है वो गल के इस तरह से ये गत्ता देख रहे हैं आप कैसा लिक्विड के अंदर जो है वो लिक्विड के पे जो है वो इसके आ रहे हैं। इसकी लेयर्स होती है 1, 2, 3 और फिर ये इस तरह से यहाँ जाता है। तीन तीन इसके जो है वो लेयर्स होती है, ये वहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर आता है। उसके बाद ये इसका मेन काम स्टार्ट होता है और वो मेन काम है यहाँ पे, यहाँ पे जो है ये भाई इसको काटते हैं। ये काटने के बाद जो है इसको यहाँ पर सुखाते हैं। ये देखें आप बच्चे, ये गत्ता बनने का प्रोसेस है कंप्लीट, और ये उसके बाद फिर ये सूखते हैं।
व्यूअर्स ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे गत्ता जो है वो कट कट के फिर हमें बुक की शक्ल में और कॉटन की शक्ल में, डब्बों की शक्ल में जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं उसका गत्ता यहाँ बनता है। गत्ता बनने के बाद फिर वो दूसरी दूसरी शेप में, डिज़ाइनिंग में और हर तरह की जो है वो पैकिंग में जो है वो यूज़ होते हैं। लाइक फूड की पैकिंग में हमने देखा होगा, इसके अलावा मिठाई के डब्बों में देखा होगा। ये पाकिस्तान में बहुत इन है ये काम, और इस तरह के काम जो है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर मशीनरी के अलावा जो है ये ऑपरेटर के काम इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है ना, मतलब ये विदाउट ऑपरेटर जो है वो नहीं हो सकती है, हो सकती है लेकिन वो फिर बिल्कुल ऑटो है। लेकिन ये पुराना वर्जन है इस मशीन का, जो सदाबहार, और मैं बहुत अच्छे से इस काम को जानता हूँ। तो ये देखिए इसके नीचे का भी जो प्रोसेस है, इसका पानी जो है वो खुद का खुद निकलना होता है नीचे। तो व्यूअर्स ये था मेरा आज का एपिसोड, आई होप कि आपने इसको एंजॉय करा होगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अपने होस्ट, अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, जा रही है पूछ रही है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलिए, और अपने कमेंट्स लाजमी दें कि आपको इस तरह की चीज़ें देखने में कैसा लगता है, इस तरह के टॉपिक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, लोगों का भी ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।